हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो देख सकते हो आज मौसम का कुछ ऐसा हाल है, तो करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। तो अभी पीछे देख सकते हो मेरा गांव दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ से लोकेशन। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के बहन की शादी में, पास में ही है, बगल के गाँव में है, चलते हैं, मनु भी वहीं मिलेगा। और अल्मोड़ा से हम मतलब परसों नाइट में पहुँचे रात में, तो थोड़ी बहुत ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करी थी वहाँ भी, अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाया था, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि आजकल यार बिजी शेड्यूल हो रहा है तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए सॉरी। तो करते हैं कंटिन्यू और मिलते हैं आपको आगे, सीधे आगे वाले व्यू पे। तो धूप आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, तो कुछ ऐसा हो रखा मौसम, कहीं बारिश ना आ जाए। तो दिखाता हूँ आपको अपना गांव का नज़ारा, और जो गेहूं बोए थे वो भी मतलब जामने लग गए हैं, मतलब अच्छा हो गया, मतलब उस टाइम बारिश आ रही थी ना, तो इस वजह से बेनिफिट मिल गया बोने के बाद जस्ट। तो देख सकते हो मेरे पीछे बादल बहुत सारे आने लग गए, तो बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा गाँव कितना प्यारा दिख रहा है, तो भी गेहूँ जामने लग गए हैं देख सकते हो, और बादल यहाँ से देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं। मगर यार बारिश ना कर दे, मगर शादी में पूरा गड़बड़ हो जाएगी। आज आ रही है बारात, तो चलते हैं दिखाते हैं कैसे होती है पहाड़ी शादी। तो अगर ज़्यादा देर रुकने का मौका मिला तो रुकेंगे। और यहाँ से अपना गोलजू का मंदिर दिख रहा है, जय हो गोलजू। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं आपको सीधे शादी में, ठीक है। तो मस्त लग रहा है लोकेशन ना, देख सकते हो, और ऐसी रोड है ना, कसम से मजा आ गया। ऑफ रोडिंग है पूरा, दिखाओ पाता तो दिखा देता मैं आप लोगों को, मगर दिखाने लायक नहीं हो रहा है। अभी पहुंच गए हैं शादी में, और अभी जयमाला की तैयारी भी हो चुकी है और दुल्हन भी आ चुकी है बाहर। तो अभी जयमाला थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एंजॉय करिए आप लोग भी और लास्ट तक बने रहे वीडियो को में, ठीक है। और दिखाते हैं आपको जयमाला, ठीक है। तो जयमाला भी हो चुकी है अभी, और अभी चलेगा फोटो शूट इन दोनों का, ठीक है। तो मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो चलिए
और अभी जयमाला के बाद अब आ चुके हैं हम खाना खाने। तो पहले दूल्हे राजा खाएंगे और दुल्हन खाएगी और उनके परिवार वाले खाएंगे, फिर उसके बाद हम भी खाते हैं, फिर चलते हैं शादी में। अभी आ चुके हैं खाना खा के, तो वर जी आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब शादी में बैठ चुके हैं तो दुल्हन का वेट करा जा रहा है, तो अंदर से आएगी अभी दुल्हन, दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो दुल्हन भी आ चुकी है और थोड़ी देर में शादी स्टार्ट हो जाएगी, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मंगलसूत्र पहना दिया है और तो कन्यादान पूरा हो चुका है, तो अभी वर पक्ष में आ चुके दुल्हन और कुछ इस प्रकार हो रही है हमारी पहाड़ी शादी। और अभी चलेंगे फेरे और धीर भाई यहाँ पर दे रहे चाय। तो चाय भी आ चुकी है बहुत टाइम के बाद। तो इसके बाद होंगे फेरे ना, तो इसके बाद होंगे हमारे फेरे। और तो गाइस आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं मेरे योगेश भाई, तो हेलो गाइस, मेरा क्लासमेट है, तो हम दोनों ने साथ में पढ़ाई कर रखी है और हमारे साथ बैठे हैं अंकल जी, ये भी हरमन मौला है। हाय एमएन इंडिया, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं फाइन, तुम भी फाइन होंगे। तो इनके साथ शादी देखने में मजा आ रहा है, आगे से चल रही है शादी, तो अभी थोड़ी देर में फेरे होने वाले हैं, पीछे हमारा पॉप्स भाई डीजे, तो एंजॉय कर रहे हैं शादी का और आपको भी दिखा दे अभी फेरे, ठीक है। और जयमाला तो हो चुकी है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, मिलते हैं आपको सीधे फ्रंट कैमरा में, तो बने रहे ब्लॉग में। तो अंकल जी कुछ बता रहे हैं, जरा सा लॉट में बोलना है। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, फेरे की तैयारी है, अब जो दिन की पूरी थी वो जा रही, सात फेरों के सातों वचन और सातों जन्मों के साथ साथ निभाने की कस्में खाई जाती है, और वही
सात और सात जन्मों का जो सात का जो समीकरण है वही ये फेरे कहलाते हैं, लकी सेवन का समीकरण है राइट। तो यहाँ पे योगेश भाई ने पूरे अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा तो अभी फेरे स्टार्ट हो चुके हैं और फेरे हो चुके हैं पूरे और अभी होगी विदाई की तैयारी, तो देख सकते हो थोड़ी देर में, ठीक है। और ये लोग कर रहे हैं एंजॉय डांस करके, तो ये ले जाएंगे दुल्हन यहाँ से आज। और अभी फ़िलहाल दिखाते आपको विदाई इमोशनल वाला पार्ट। विदाई शुरू हो चुके यहाँ पे। और विदाई भी हो चुकी है, दुल्हन भी जा रही है आगे से, तो हम भी चलते हैं, करते हैं बाय बाय। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत इमोशनल वाला सीन हो रहा है। चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं ऊपर। तो बारात आ चुकी है और यहाँ थी बारात ब्रह्मपुरी में, तो अभी आधे रास्ते में है। मैं तो बाइक ले गया था वहीं तक। ऐसी रोड है, मतलब बहुत पतली नैरो रोड है यार, तो नीचे है, ठीक है, देखो क्या होता है।